सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एचएसएससी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से जुड़ी हुई एक और नई अपडेट के साथ। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी एडमिशन 2023-24 इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के पीजी एडमिशन के बारे में। कब आपके पीजी एडमिशन स्टार्ट होंगे, क्या कुछ प्रोसेस होने वाली है, एंट्रेंस बेस पे होंगे तो एंट्रेंस का एग्जाम कब होगा, अगर एंट्रेंस बेस पे होंगे तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर आपको एंट्रेंस के एग्जाम में लेके आने हैं ताकि आपका एडमिशन हो जाए, तो कंप्लीट प्रोसेस की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में जो है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर है जो प्रोसेस पे है, यानी प्रोग्रेस में है, जो भी आप बोल सकते हो, कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के जो मोस्टली कॉलेज हैं वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के अंडर आते हैं। तो आपको अगर महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में एडमिशन लेना है या फिर आपको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में एडमिशन लेना है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, पीजी में, पीजी बोले तो एमएमएससी, एमकॉम या फिर जो भी अलग पीजी के कोर्स हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको देना होगा एंट्रेंस एग्जाम। अब एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने नंबर लेने हैं एंट्रेंस एग्जाम में, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस कैसे फिल करेंगे, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, एग्जाम जो आपकी एडमिशन फीस है वो कहाँ जमा करेंगे, तो क्या कुछ प्रोसेस होने वाली है, कंप्लीट प्रोसेस की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। पीजी एडमिशन सेशन 2023-24 स्टार्ट कब से होंगे, लास्ट डेट क्या होने वाली है और कॉलेज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राइवेट कॉलेज वालों को भी अप्लाई करना है, तो उन सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से आने वाली अपडेट टाइम से मिल सके। नंबर एक पे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको अगर पीजी में एडमिशन लेना है, एमएमएससी, एमकॉम या फिर जो भी आपका पीजी का कोर्स है, एमसी हो गया, तो अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो आपको एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई करना ही करना है, एंट्रेंस का एग्जाम देना ही देना है चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो यह आपका फर्स्ट डाउट है, वो क्लियर कर दिया। अब सेकेंड बात करें कि आपका एंट्रेंस का एग्जाम कैसे होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी अगर बात करें तो मान लीजिए आपका एंट्रेंस का फॉर्म आपने फिल कर दिया, डेट कब होगी उसकी बात आगे चल के करेंगे, फिल कब होंगे उसकी बात आगे चल के करेंगे, लेकिन आपने एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर दिया। अब एंट्रेंस का फॉर्म तो आपने फिल कर दिया, अब आपका होना है एंट्रेंस का एग्जाम। एग्जाम कहाँ होगा उसकी बात करें तो आपका आईयू का जो कैंपस है यानी मीरपुर में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा एंट्रेंस का। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के अंडर जो आपकी बिल्डिंग्स है उनमें आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके टोटल 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं जिनमें आपको 90 मिनट का टाइम पीरियड मिलने वाला है, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। अब एंट्रेंस का आपका एग्जाम तो है लेकिन आपको नंबर कितने लेके आने हैं एंट्रेंस के एग्जाम में, तो हाईएस्ट जो नंबर होने वाले हैं एवरेज वो होने वाले हैं आपके 70-75, यानी कुछ स्टूडेंट 80 भी लेंगे, 85 भी लेंगे, 90 भी लेंगे, लेकिन जो एवरेज होने वाला है वो 70-75 होने वाला है। इसके बाद आप लगभग किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आप चाहें, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो। अगर बात करें कि कितने नंबर आपको लेके ही लेके आने हैं, तो अगर आप 40-45 नंबर भी लेके आते हैं यानी 40-45% भी लेके आते हैं तो भी आपका एडमिशन तो पीजी में हो जाएगा। अगर अब आपको वो अपनी पसंद का कॉलेज मिले या ना मिले, ये अगर खाली सीट रह जाती है तो आपको मिल जाएगा अगर आपकी 40-45% आती है तो भी। तो क्या कुछ है कंप्लीट प्रोसेस उसकी बात करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वीडियो स्टार्ट करने के लिए नहीं सॉरी पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करने होगा उसकी बात करेंगे, सेकंड नंबर पे क्या करना है, थर्ड नंबर पे क्या करना है, तो उस सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर एक पे आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन आपको आईयू की ऑफिशियल वेबसाइट iu.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको करना है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फैमिली आईडी की सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप अदर किसी स्टेट के हैं हरियाणा को छोड़ के तो आपको फैमिली आईडी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हैं तो आपको फैमिली आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद फैमिली आईडी के बाद आपकी फोटो, आपके साइन, आपके 10th एंड 12th, आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी आपका होगा, ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट। उसके बाद अगर आपका माइग्रेशन है तो आप आईयू को छोड़ के
अलग किसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की, अगर आपको इसमें अब एडमिशन लेना है IGU में, तो आपको माइग्रेशन ज़रूरी है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आपका हो गया NCC NSS सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसका भी आपको परसेंटेज वेटेज मिलने वाला है। उसके बाद हरियाणा रेजिडेंस, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो हरियाणा की डोमोसाइल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं और आपको परसेंटेज, आपको वेटेज लेनी है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप SC से हैं तो SC की सर्टिफिकेट, BCA से हैं, BCBC हैं तो उनकी सर्टिफिकेट, अगर आप जर्नल से हैं और EWS से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो EWS सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आपके पास गैप आपका है आपकी स्टडी में तो आपके पास गैप ईयर भी होना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। अगर आपके पास गैप ईयर है तो गैप ईयर भी आपका मैंडेटरी होने वाला है। नंबर एक पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात हमने कर ली। फीस की बात करें तो किन्नी स्टूडेंट्स की 250 और जनरल कैटेगरी की लगभग 1000 होने वाली है। ये आपका एडमिशन जब स्टार्ट होंगे उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। नंबर एक पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके ठीक 10 दिन बाद आपके आ जाएंगे इंट्रेंस के एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके आ गए। नंबर दो पे आपने इंट्रेंस का जो है फॉर्म अप रजिस्ट्रेशन किया उसके 10 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड में आपको बताया होगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है, किस बिल्डिंग में आपका एग्ज़ाम है। तो जैसे आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड 10 तारीख को हुआ, एग्ज़ाम से ठीक 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी 10 तारीख से आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ तो 12 तारीख को आपका एग्जाम होना है या फिर 13 तारीख को आपका एग्जाम होना है, यानी एग्जाम से 2 या 3 दिन ठीक पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो जैसे ही आपने आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ, नंबर दो पे आपका 10 दिन पहले बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी उसके 10 दिन बाद, उसके जैसे आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ उसके 2 या 3 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। नंबर तीन पे आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए। जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, सभी एग्जाम कंप्लीट होने के ठीक 2 दिन बाद आपके जो है रिजल्ट जारी हो जाएंगे, यानी प्रोसेस ज्यादा दिन की नहीं होने वाली, 2-2, 4-4 दिन की होने वाली है। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद आपको करनी है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, यानी आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। वो कॉलेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वहीं पे लॉगिन करके आपको कॉलेज का जो आपको सेलेक्ट करना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो नंबर 5 पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, और आपको अपनी काउंसलिंग फ़ीस पे करनी है। काउंसलिंग फ़ीस आपकी 400 रुपये होने वाली है, वो 400 रुपये फ़ी आपको पे करनी है। फ़ी आपने पे कर दी, उसके बाद आपके जैसे ही आपने फ़ी पे की उसके 1 वीक बाद आपकी जो है सीट आपको अलॉट हो जाएगी, यानी आपकी सीट आपको मिल जाएगी। नंबर 7 पे आपको जैसे ही सीट अलॉट हुई, जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज में आपको मैन्युअली जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं ओरिजिनल। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने करवा दिए ओरिजिनल, जिस कॉलेज में आपका नंबर आया उसके, जैसे ही आपका नंबर आया उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, मान लीजिए आज आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उसके ठीक 24 घंटे या फिर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है अपने कोर्स की फ़ी के पे करनी है। यानी नंबर एक पे जो आपकी फ़ीस लगी 1000 रुपये वो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, उसके बाद ये 6 नंबर पे आपकी फ़ीस लगी 400 रुपये ये आपकी काउंसलिंग फ़ीस थी। इन दोनों के अलावा आपकी जो है कोर्स की फ़ीस लगने वाली है वो आपकी पे आपको करनी है नंबर 9 पे। जैसे आपने कोर्स की फ़ी पे की उसके बाद आपकी जो है आपका जो है एडमिशन हो जाएगा उस कॉलेज में। अब हमने बात की थी कि कॉलेज चॉइस फिल करनी है, तो कॉलेज चॉइस फिल करने के लिए आपको जो है सीट अलॉट होगी। सीट अलॉट होगी नंबर 8 पे। सीट अलॉट अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट नहीं हुई, आपने लॉगिन किया तो कुछ स्टूडेंट जिनका हाई स्कोर था उनकी सीट अलॉट हो जाएगी। मान लीजिए आपके नंबर थे 45, अब आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आपकी जो है सेकेंड काउंसलिंग होगी। सेकेंड काउंसलिंग में आपको जो है सीट अलॉट हो जाएगी। ये आपकी फ़ीस ये आपने पे कर दी 400 रुपये यही रहने वाली है। आपकी 3 लिस्ट लगने वाली है। 3 लिस्ट में अगर आपका नंबर नहीं आया तो आपको क्या करना है, तो आपको ऑफलाइन आपके ओपन काउंसलिंग होगी ऑफलाइन, उसमें जाके आपको जिस कॉलेज में सीट खाली रहेंगी उसमें जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ आपकी प्रोसेस होने वाली है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। लेकिन जैसे ही आपको बताया जा रहा है कि जून के 1st वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो जैसे ही कोई अपडेट आती है, आपके 6th सेमेस्टर के एग्जाम भी अभी चले हुए हैं, तो 6th सेमेस्टर के रिजल्ट आने से पहले लगभग आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे।
तो ऐसा होने वाला है, लगभग रिजल्ट भी आपके जल्दी आएंगे। तो रिजल्ट आता है या फिर एडमिशन पहले स्टार्ट होता है, इसके लिए आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन एडमिशन की पीजी की हमने लगभग बात कर ली, जो भी बात आपका अगर अब भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, हम कुछ दिन के लिए ऑफलाइन चले गए थे तो अब हम एक्टिव हैं, पूरी टीम एक्टिव है। तो आप जैसे कमेंट करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीजी में एडमिशन की प्रोसेस की आपने हमने बात कर ली, यूजी के एडमिशन प्रोसेस की भी वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।